हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी बसीन। आज हम जो सेल बायोलॉजी की सीरीज़ चला रहे हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसी में एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि आप सबको पता होगा कि डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और जो ओवरऑल प्रोसेस है डीएनए से प्रोटीन तक की, उसको पूरी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मिला के हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, और ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय कॉपिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए की स्ट्रैंड को बेस बनाते हुए जो आरएनए बनता है, जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो जो प्रक्रिया होती है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंटायर जीनोम इज कॉपीड, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द जीनोम इज कॉपीड। रेप्लिकेशन जब होता है डीएनए का, तो पूरे के पूरे स्ट्रैंड का जो है वो डुप्लीकेशन होता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है या आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो केवल सिलेक्टेड हिस्सा, जो सिलेक्टेड पोर्शन है जीनोम का, वो ही कॉपी होता है। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड होता है उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज से अलग, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज खुद से जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन नहीं कर पाता था, उसको आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती थी। उसके जस्ट उलट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है, वो खुद से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवा सकता है, उसको किसी प्राइमर की या प्राइमेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये जो डीएनए का स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड रहता है, और इसके सहारे जो है वो आरएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन की ही तरह आरएनए का जो बनने का प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके तीन मेजर स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। ट्रांसक्रिप्शन जो है इट इज इनिशिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसका मेन एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जुड़ता है, और जिस सीक्वेंस पे, जिस पॉइंट पे ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, उस पॉइंट को कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। ठीक है, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज द प्रिंसिपल एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। और जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होता है वो मेन एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व्ड होता है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड इन अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम मिलता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज को हम, मतलब इस एंजाइम को हम कोर पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूँ कोर पॉलीमरेज एंजाइम की, तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज फाउंड इन पॉलीमरेज इज फाउंड इन अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज कोर पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को हम क्या बोलते हैं, कोर पॉलीमरेज। और कोर पॉलीमरेज में क्या क्या होता है, इसके चार सब यूनिट्स होते हैं कोर पॉलीमरेज के। कौन कौन से, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। ठीक है, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, इन चार सब यूनिट्स को मिला के बनता है कोर पॉलीमरेज। और ये जो कोर पॉलीमरेज, ये कोर एंजाइम होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए टेम्पलेट के स्पेसिफिक रीजन पर जाकर बाइंड करता है, जिसको हम कहते हैं प्रमोटर रीजन। डीएनए का वो हिस्सा जहाँ जाके आरएनए पॉलीमरेज या कोर पॉलीमरेज बाइंड करता है, और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है ना, वो उसको कहते हैं, जहाँ जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसको कहते हैं प्रमोटर रीजन। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द कोर पॉलीमरेज टू प्रमोटर इज फैसिलिटेटेड बाय, स्पेसिफाइड बाय सिग्मा फैक्टर। ठीक है, और ये जो बाइंडिंग करवाने का काम है, कोर पॉलीमरेज की प्रमोटर रीजन पे बाइंडिंग करवाने का जो काम है, वो सिग्मा फैक्टर करवाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि ईकोलाई के केस में ओमेगा 70, ये सिग्मा 70 के नाम से भी जाना जाता है। पर आप ये याद रखिएगा, सिग्मा फैक्टर का रोल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। मैंने अभी तक आपको बताया था कि कोर पॉलीमरेज के
चार सब यूनिट होते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। इस कोर पॉलीमरेज से एक फैक्टर और बाइंड करता है जिसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर, और कोर पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर मिला करके क्या बनता है, होलो एंजाइम। ठीक है, कोर पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर मिला करके बनता है होलो एंजाइम, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कहते हैं। ये सिग्मा फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका रोल होता है कि ये कोर पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन तक ले जाता है। ठीक है, कोर पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन तक ले जाता है और बाइंडिंग करवाता है। ये बाइंडिंग करवाने तक का काम किसकी, कोर पॉलीमरेज की प्रमोटर रीजन से बाइंडिंग करवाने तक का काम सिग्मा फैक्टर करता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और सिग्मा फैक्टर जब कोर एंजाइम में जुड़ जाता है, कोर एंजाइम में कौन से चार यूनिट है, कोर पॉलीमरेज या कोर एंजाइम में कौन से चार सब यूनिट है, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। इसमें जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ठीक है, और सिग्मा फैक्टर का क्या काम क्या है, प्रमोटर रीजन तक कोर पॉलीमरेज को ले जाना, उसके बाद सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ ईकोलाई प्रमोटर कंसिस्ट ऑफ टू कंजर्व्ड सीक्वेंस, ईकोलाई के केस में जो प्रमोटर रीजन है उसके दो कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं, 5-3 वाला एक रीजन TTGACA और जो कि -35 एलिमेंट्स होता है ना, -35 बेस पेयर्स दूर होता है, और एक 5-3 वाले को रीजन TADA बॉक्स जिसको बोलते हैं, तो -10 अपस्ट्रीम होता है, -10 एलिमेंट दूर होता है। ये सीक्वेंसेस जो हैं ये अपस्ट्रीम होती है टू दी साइट फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस। अपस्ट्रीम जो साइट होती है वो 5-end वाली साइट को कहते हैं और डाउनस्ट्रीम 3-end वाली साइट को कहते हैं। तो ये दो सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक -35 एलिमेंट वाली और एक -10 एलिमेंट वाली, और ये दोनों ही सीक्वेंसेस ट्रांसक्रिप्शन से अपस्ट्रीम होती हैं, दे आर अपस्ट्रीम टू द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके 5-end डायरेक्शन में होती है। बाइंडिंग ऑफ द होलो एंजाइम टू द टू कंजर्व सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर फॉर्म्स अ क्लोज कॉम्प्लेक्स। जैसे ही होलो एंजाइम मतलब क्या, पूरा का पूरा कोर एंजाइम जिसमें अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा थे प्लस सिग्मा फैक्टर, पूरा होलो एंजाइम जैसे ही प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा तो एक क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और कुछ बैक्टीरिया में ऑल्टर्ड प्रमोटर रीजन जो होता है उसमें थोड़ा ऑल्ट्रेशन हो जाता है, उसमें एक यूपी एलिमेंट भी जुड़ जाता है जो कि थोड़े से एक्सटेंडेड होते हैं, -10 एलिमेंट से थोड़े एक्सटेंडेड रीजन भी जुड़ जाते हैं, यानी कि प्रमोटर जो है वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है। नॉर्मली प्रमोटर रीजन जो है, जो बाकी नॉर्मली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जैसे उस प्रमोटर रीजन में जनरली दो कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है, एक -35 एलिमेंट और एक -10 एलिमेंट, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि प्रमोटर रीजन जो होता है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, -35 से और 10 एलिमेंट एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंडेड प्रमोटर रीजन होता है ये पाया जाता है σ70 ईकोलाई के अंदर, जिसके फर्दर चार रीजन्स होते हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4। तो इसके आप डिटेल में यदि नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, ये कुछ बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है, इसे आप भले स्किप भी कर दें तो चलेगा। आपको जो बात याद रखनी है वो बस इतनी याद रखनी है कि एक तो कोर एंजाइम क्या होता है, कोर एंजाइम के चार सब यूनिट कौन से होते हैं, और इन चारों सब यूनिट से जब सिग्मा जुड़ता है तो होलो एंजाइम बन जाता है, और जब होलो एंजाइम जाकर के प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है तो एक क्लोज कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ठीक है, और जो आपको याद रखना है, ये तो एक बैक्टीरिया का एग्जांपल था तो मैंने दे दिया, इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ओके। यहां पर जो आपको चीज देखनी है मेन, वो इस डायग्राम से जरूर देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोर एंजाइम है उसके जो चार सब यूनिट है, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और गामा, उसमें जो अल्फा सब यूनिट है वो चेन इनिशिएशन करता है, और मतलब शुरुआत करता है चेन फॉर्मेशन की, मतलब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर रीजन से पॉलीमर जो आपका एंजाइम रहेगा आरएनए पॉलीमरेज, उसको प्रमोटर रीजन से बाइंड कौन करवाएगा, सिग्मा फैक्टर बाइंड करवाएगा, है ना। प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम सिग्मा फैक्टर करवाता है, तो प्रमोटर रिकॉग्निशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो अल्फा फैक्टर है वो चेन इनिशिएशन करवाएगा और रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करवाएगा, जो बीटा फैक्टर है वो चेन इनिशिएशन और इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो बीटा डैश है वो डीएनए
की बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन चारों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद आप सीधे आ जाइएगा क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स पे, यानी जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जाकर के प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है तो एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम सेपरेट्स 10 to 14 बेसिस एक्सटेंडिंग फ्रॉम -11 to +3 कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखिए, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जाकर के बाइंड हुआ प्रमोटर रीजन से, तो वो क्या करेगा, जो डीएनए का टेम्पलेट है उसे खोलेगा। आपको लोकेशन मैंने बताई थी, -35 एलिमेंट और -10 एलिमेंट अपस्ट्रीम होता है प्रमोटर रीजन से, ट्रांसक्रिप्शन चलता है ना। तो यहाँ पर जैसे ही जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, ये देखिए, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड हुआ, डीएनए के स्पाइरल बाइंडिंग को, डीएनए के हेलिक्स को खोलेगा, ठीक है। जैसे ही डीएनए का हेलिक्स खुला, ये प्रोसेस कहलाएगा मेल्टिंग। डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा मेल्टिंग। सो ओपन कॉम्प्लेक्स, ये जब डीएनए मेल्ट होगा, इसके स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में होते हैं, जैसे ये खुलेगा तो ये कहलाएगा ओपन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो प्रोसेस जिसके तहत सबसे पहले जब आरएनए पॉलीमरेज, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, जब आरएनए पॉलीमरेज जाके प्रमोटर रीजन पे बाइंड हुआ था, पूरा का पूरा होलो एंजाइम जाके प्रमोटर रीजन पे बाइंड हुआ था, तो बना था क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही ये जो है ये खोलेगा जैसे ही डीएनए के टेम्पलेट को, तो ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, ओपन कॉम्प्लेक्स। और क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन, ठीक है। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स बनने की जो प्रोसेस होती है, इट इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन, ओके। देन टर्शरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पहला बना क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, फिर बना ओपन कॉम्प्लेक्स, और थर्ड क्या बनेगा, टर्शरी कॉम्प्लेक्स। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स सिंथेसाइजिंग न्यूक्लियोटाइड, आरएनए पॉलीमरेज से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस चालू हो जाता है, इट डज नॉट रिक्वायर दी हेल्प ऑफ प्राइमेस। मैंने पहले ही बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमेस की आवश्यकता नहीं होती। इफ द एंजाइम सिंथेसाइजेस शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ लेस देन 10 बेस पेयर, इट डज नॉट फर्दर इलोंगेट, विच इज कॉल्ड एज अबॉर्टिव इनिशिएशन। ये ध्यान रखिएगा, अगर आरएनए पॉलीमरेज 10 बेस पेयर से छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का इलोंगेशन नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का इलोंगेशन नहीं होगा, और ये कहलाएगा अबॉर्टिव इनिशिएशन। दिस इज बिकॉज अल्फा ओमेगा ये सिग्मा 3.2 एक्टिंग एज अ मिमिक ऑफ आरएनए एंड इट लाइज एट द मिडल ऑफ आरएनए एग्जिट चैनल इन ओपन कॉम्प्लेक्स। कभी कभी क्या होता है, अगर आरएनए का कोई मिमिक हो जाए, कोई स्ट्रक्चर आरएनए की तरह बिहेव करने लगे जो एक्चुअली आरएनए नहीं है, तो कभी कभी अबॉर्टिव इनिशिएशन हो जाता है, यानी कि एक्चुअल जितने 10 बेस पेयर से बड़े जो आरएनए के टुकड़े बनने चाहिए वो नहीं बन पाते, 10 बेस पेयर से छोटे आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने लगते हैं। और जब जब 10 बेस पेयर से छोटे आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे, तो ऐसा इनिशिएशन आगे नहीं बढ़ेगा, वो रुक जाएगा, वो एक डिफेक्टिव इनिशिएशन माना जाएगा, जिसे अबॉर्टिव इनिशिएशन के नाम से जाना जाता है। जब जब 10 बेस पेयर से छोटा आरएनए का टुकड़ा बनेगा, इनिशिएशन की प्रोसेस, आरएनए बनने की प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, इसे अबॉर्टिव इनिशिएशन कहा जाता है। When RNA polymerase manages to synthesize, और जब 10 बेस पेयर से लंबा RNA का मॉलिक्यूल बनेगा, है ना, तभी उसका elongation होगा, और यहीं से इसी को tertiary complex बोलेंगे, है ना। मतलब elongate कौन सा RNA molecule होगा, जो 10 बेस पेयर से लंबा है। यदि वो RNA molecule 10 बेस पेयर से छोटा है, तो initiation की process यहीं रुक जाएगी। 10 बेस पेयर से लंबा जो molecule है, वही जो है वो आगे जाके बढ़ेगा और टर्शरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो यानी इनिशिएशन में क्लोज कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, है ना, और टर्शरी कॉम्प्लेक्स, ये तीन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है इलोंगेशन। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑफ मोर देन 10 बेस पेयर द सिग्मा फैक्टर इज इजेक्टेड। सिग्मा फैक्टर का काम केवल ये था कि उसको सीक्वेंस को प्रमोटर रीजन से बाइंड करवाना था। बाइंड करवाते ही उसका काम खत्म हो गया और वो वहां से हट जाता है, और एंजाइम
टाइम जो है, इलोंगेशन का मतलब होता है फर्दर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन, वो होता रहेगा। आरएनए का सिंथेसिस 5-3 डायरेक्शन में होगा, ये याद रखिएगा। आरएनए का सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होता है? 5-3। सिंथेसाइज्ड आरएनए एग्जिट फ्रॉम द आरएनए एग्जिट चैनल, और आरएनए बनने के बाद आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ाते समय उसकी प्रूफ रीडिंग पढ़ाई थी कि गलत बेस पेयर यदि इनकॉर्पोरेट हो जाए तो वो डीएनए से हट जाता है और सही एडेनाइन के सामने थायमिन ही आना चाहिए, गुआनिन के सामने साइटोसिन ही आना चाहिए। अगर गलती से एडेनाइन के सामने गुआनिन आ गया तो वो गुआनिन हटा दिया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा और थायमिन को ही इंसर्ट किया जाएगा और फॉर्मेशन होगा, करेक्ट बेस पेयरिंग होगी, ये प्रूफ रीडिंग कहलाती है। उसी प्रकार से आरएनए की भी प्रूफ रीडिंग होती है। आरएनए जिस मैकेनिज्म से प्रूफ रीड किया जाता है उसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग, ठीक है, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। फॉर दिस दी पॉलीमरेज बैक ट्रैक्स बाय वन और मोर न्यूक्लियोटाइड एंड क्लीव्स दी आरएनए रिमूविंग दी एरर एंड सिंथेसाइज दी करेक्ट वन। इसमें क्या होता है कि गलत न्यूक्लियोटाइड को क्लीव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और सही न्यूक्लियोटाइड को यानी एडेनिन के सामने यहाँ कौन आना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ थायमिन नहीं आएगा, यहाँ यूरैसिल आएगा। एडेनिन के सामने यदि यूरैसिल नहीं आया तो यूरैसिल इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और फिर गलती को करेक्ट करके आगे चला जाएगा। ग्री फैक्टर इन्हेंसिस दी, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्री फैक्टर, जो कि प्रूफ रीडिंग प्रोसेस में मददकारी होता है। फॉस्फोलाइटिक एडिटिंग अनदर मैकेनिज्म ऑफ रिमूविंग ऑल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड। पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग एक और मैकेनिज्म होता है जिससे कि गलत न्यूक्लियोटाइड जो इनकॉर्पोरेट हो गया उसे हटाया जा सकता है। देन लास्ट होता है इसमें टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इनिशिएशन का मतलब था प्रोसेस का शुरू होना, इलोंगेशन का मतलब था फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड होना, और टर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिससे कि न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन रुक जाएगा। दो प्रकार से टर्मिनेशन होता है, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट वाले में इन दिस मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड ड्यू टू स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इन द टर्मिनेटेड डीएनए। टर्मिनेटेड डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में के आने के कारण जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो रुक जाती है। टर्मिनेटेड डीएनए कंटेन्स इन्वर्ट रिपीट। टर्मिनेटेड डीएनए में इन्वर्ट रिपीट होते हैं जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो रुक जाती है, क्योंकि एक हेयर पिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। रोहो इंडिपेंडेंट जो मैकेनिज्म होता है उसमें ध्यान रखिएगा हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर, डायग्राम में आप देख पाएंगे इन्वर्टेड रिपीट आ जाते हैं डीएनए के, जिसके कारण कि हेयर पिन जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके बाद बहुत लार्ज मात्रा में टी दिखेगा आपको, टी का नाइट्रोजन स्पेस यानी थायमिन का नाइट्रोजन स्पेस दिखेगा, और इस स्ट्रक्चर का जैसे ही हेयर पिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वैसे ही समझ में आ जाएगा कि चेन के टर्मिनेशन का टाइम आ गया है। ये रो इंडिपेंडेंट वाला मैकेनिज्म है। और रो डिपेंडेंट में एक प्रोटीन काम करता है, रो प्रोटीन, जो कि टर्मिनेशन कॉज करवाता है। इन दिस मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड बाय रो प्रोटीन। इट इज ए रिंग शेप्ड स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग एटीपीएस प्रोटीन। ये एक रिंग शेप का सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करने वाला एटीपीएस प्रोटीन होता है, जो कि आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करता है एंड हाइड्रोलाइज दी आरएनए फ्रॉम एंजाइम कॉम्प्लेक्स। रो प्रोटीन डज नॉट बाइंड टू दोज आरएनए हुज प्रोटीन इज, ऐसे आरएनए जिसका प्रोटीन तुरंत ट्रांसलेट जो आरएनए हो रहे हैं उनसे रो प्रोटीन बाइंड नहीं करता, लेकिन ये ट्रांसलेशन होने के बाद बाइंड करेगा। लेकिन जहां ट्रांसलेशन नहीं होता ऐसे आरएनए से ये रो प्रोटीन बाइंड कर जाता है, और बाइंड करते ही ये जो है ये टर्मिनेशन की प्रोसेस चालू कर देता है और टर्मिनेट कर देता है फर्दर न्यूक्लियोटाइड के एडिशन को, रोक देता है, ठीक है। अब रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो रीसेंट ट्रेंड में यदि हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन मैकेनिज्म पे काफी रिसर्च चल रही है, क्योंकि मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स भी आप देखें तो उनका जो काम होता है वो इनिशिएशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। मैक्सिमम एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि इनिशिएशन नहीं हो पाता तो फिर आरएनए का बनना नहीं हो पाता, आरएनए नहीं बनेगा तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा, पूरे सेल की जो मशीनरी है वो ब्रेक पे चली जाएगी। तो बहुत सारा स्ट्रक्चरल लेवल पे, बायोमोलिकुलर लेवल पे बायोफिजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है।
and specifically this focuses on the mechanism employed by RNA polymerase holoenzyme with the housekeeping sigma factor. Sigma factor का role housekeeping genes की study काफ़ी अच्छी तरह से इस direction में चल रही है, बस आपको एक दो line में ही recent study देनी है ना. देन प्रोग्रेस इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ये भी बहुत एक एडवांस चीज़, नई चीज़ इनटू पिक्चर आ रही है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर ड्राइविंग प्रोग्रेस इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करा जा रहा है. टू कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन बेस्ड एंड सिंगल सेल एनालिसिस, दो कंसेप्ट इनटू पिक्चर आए, पॉपुलेशन बेस्ड और सिंगल सेल एनालिसिस करके ट्रांसक्रिप्टोम की स्टडी करी जा रही है ना. और माइक्रोब्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर इसकी काफ़ी स्टडी चल रही है. तो ये तो सिर्फ आपको एक एक लाइन में देना है. बेसिकली आपको जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, जो सिग्मा फैक्टर का रोल है, कोर एंजाइम का फॉर्मेशन है, वो सब अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. होप आपको समझ में आया होगा. फीडबैक ज़रूर रिवर्ट करें. थैंक यू वेरी मच.